पृथ्वी से 5 करोड़ मील दूर मंगल ग्रह पर एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। सूरज की किरणें उस लाल ग्रह के बीहड़ रेगिस्तान का मानो भेद खोलती हुई क्षितिज तक फैल गई और इसी के साथ उजागर हुआ एसिडेलिया प्लेनेशिया क्रेटर। क्रेटर किसी ग्रह पर कटोरे के आकार का विशाल गड्ढा होता है जो किसी उल्का पिंड के सतह पर टकराने से बनता है। उस क्रेटर पर आज से 1800 साल पहले ही नासा के स्पेस मिशन एरिस 3 की एक टीम उतारी जा चुकी थी। दरअसल मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे और 40 मिनट का होता है, जिसे एक सोल या सोलर डे से दर्शाया जाता है। इस मिशन पर नासा ने 6 एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे, जिनका मकसद था क्रेटर की सतह से जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए मिट्टी के नमूने इकट्ठे करना और उन्हें लेकर 31वें साल तक पृथ्वी की ओर वापस लौटना। इस मिशन को लीड कर रही थी कमांडर लुइस, जो एक पूर्व नौसैनिक यानी कि एक्स नेवल होने के साथ साथ एक जियोलॉजिस्ट भी थी। इस मिशन में उनके साथ थे मैकेनिकल इंजीनियर और बॉटनिस्ट मार्क वॉटनी, आईटी इंजीनियर बैथ जोहेंसन, पायलट रिक मार्टिनेस, फ्लाइट सर्जन डॉक्टर क्रिस बैक और अंत में एलेक्स वोगल, जो एक नेविगेटर होने के साथ ही एक केमिस्ट भी थे। एस्ट्रोनॉट्स की टीम ने लैंडिंग साइट पर पहले ही एक हैबिटेट तैयार कर लिया था, जिसे वे लोग हैब कहते थे। वहां वे लोग 31 साल तक रहकर अपनी रिसर्च पूरी करेंगे और अब वे मिट्टी के नमूने जुटाने में लगे हुए थे। इस दौरान आईटी इंजीनियर जोहेंसन लगातार सैटेलाइट सिग्नल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। तभी जोहेंसन को अपने कंप्यूटर पर नासा से मिशन के अपडेट मिले, जिसमें नासा ने उन्हें उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे एक भयंकर तूफान की चेतावनी दी थी। वो संदेश देखकर जोहेंसन ने तुरंत कमांडर और बाकी टीम को हैब में बुलाया, जहां उन्हें पता चला कि वो तूफान 8600 न्यूटन फोर्स से उनके MAV से टकराने वाला है। MAV यानी कि मार्स असेंट व्हीकल एक रॉकेट है जो एस्ट्रोनॉट्स को मंगल के ऑर्बिट पर परिक्रमा कर रहे उनके अंतरिक्ष यान तक ले जाता है। पर उसके लिए MAV का सीधा खड़ा रहना जरूरी है। अगर MAV तूफान में पलट गया तो वे सभी मंगल ग्रह पर फंसकर रह जाएंगे। मामला जितना गंभीर था, सोचने का वक्त उतना ही कम। इसलिए कमांडर ने मिशन को रद्द करके पृथ्वी पर वापस लौटने का फैसला किया और अपनी टीम को अपने पीछे MAV तक ले जाने लगी, जहां MAV की देखरेख कर रहा मार्टिनेज उड़ान भरने की सारी तैयारियां कर चुका था। लेकिन बदकिस्मती से तब तक तूफान विकराल रूप ले चुका था और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे थे। कमांडर ने जैसे ही हैब का एयरलॉक खोला, तभी एकाएक आई तेज तूफानी हवा से कमांडर के कदम डगमगा गए। पर कमांडर ने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी टीम को लेकर MAV की तरफ बढ़ने लगी। वे पांचों अंतरिक्ष यात्री अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी मार्क ने अपनी चाल धीमी कर दी और अपने साथियों को बताने लगा कि अगर वे लोग सोलर पैनल के केबल से गाइडलाइन बनाकर MAV को उससे जोड़ दें, तो उससे MAV पलटने से बच सकता है। गाइडलाइन एक तनी हुई केबल होती है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बिजली के खंभों को सीधा रखने के लिए किया जाता है। मार्क सभी को अपना आगे का प्लान बता ही रहा था कि तभी एकाएक सैटेलाइट का डिश एंटीना टूटकर मार्क से जा टकराया, जिससे मार्क किसी तिनके की तरह हवा में उड़ता हुआ उस भयंकर तूफान में कहीं गुम हो गया। इतने में ही मार्टिनेज को अपने कंप्यूटर पर मार्क के स्पेस सूट से ऑक्सीजन लीक होने का सिग्नल मिला, जिसे देखकर मार्क के साथियों में खलबली सी मच गई। अगर मार्क के स्पेस सूट से सारी ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो वो कुछ ही सेकंड्स में ही मारा जाएगा। ये जानने के बाद कमांडर और उसकी टीम अपनी पूरी जी जान से मार्क को ढूंढने में लग गए, लेकिन उस भयंकर तूफान में उनके लिए एक दूसरे को भी देख पाना मुश्किल था। बल्कि वे तो केवल सिग्नल की बदौलत ही एक दूसरे के साथ बने हुए थे और मार्क से तो उनका संपर्क भी पूरी तरह से टूट चुका था। आखिरकार वे मार्क को ढूंढने में नाकाम रहे। उधर दूसरी ओर MAV भी लगातार झुकता ही जा रहा था। कमांडर असमंजस में घिर चुकी थी। किसी एक के लिए वो बाकियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी, इसलिए वो बाकियों को MAV में भेजकर अकेले ही मार्क को ढूंढने लगी। लेकिन बैक नहीं चाहता था कि मार्क की तरह वो अपनी कमांडर को भी खो दे, इसलिए बैक ने ये सुनिश्चित कर दिया कि बिना ऑक्सीजन के मार्क अब तक स्वर्ग सिधार गया होगा। ये सुनकर कमांडर भी अपनी आंखों में आंसू लिए MAV पर लौट आई। इससे पहले कि MAV पलटता, कमांडर ने MAV को लॉन्च करने का आदेश दिया और वे सभी अपने दिल में मार्क की मौत का बोझ लिए पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। सुबह होने तक ये खबर पृथ्वी पर मौजूद नासा के अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद नासा ने इस दुखद घटना का मीडिया में भी खुलासा कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि मार्क तो उनके बीच नहीं रहा, लेकिन उसके बाकी साथी अपने स्पेसशिप हर्मिस तक पहुंचने में कामयाब रहे और वे जल्द ही घर लौट आएंगे।
नासा द्वारा दी ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई थी, लेकिन आगे होने वाला एक चमत्कार दुनिया भर के लोगों को हैरान करने वाला था, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से मार्क अभी जीवित था और मंगल ग्रह की रेत में दबा अपनी मौत से लड़ रहा था। तभी अपनी स्पेस सूट से आती इमरजेंसी अलार्म की आवाज सुनकर मार्क एकाएक होश में आ गया, पर वो दर्द से बेहाल था, क्योंकि जो डिश एंटेना उससे टकराया था उसका एक पतला लोहे का रॉड मार्क के सूट को भेदता हुआ उसके पेट में जा घुसा था। खुशकिस्मती से सूट में घुसे रॉड के आसपास मार्क के खून का थक्का जम गया था, जिससे सूट में मौजूद ऑक्सीजन का लीकेज धीमा हो गया था। इसी की बदौलत मार्क अब भी जिंदा बचा हुआ था। मार्क ने उस रॉड को निकालने की बेवकूफी नहीं की और उसे डिश से अलग करके दर्द को सहता हुआ हैब में आ गया। हैब के अंदर हवा का दबाव सामान्य था। मार्क ने तुरंत अपना स्पेस सूट उतार कर फेंका और एक झटके से उस रॉड को अपने पेट से खींचकर बाहर निकाल दिया। मार्क की दर्दनाक चीख पूरे हैब में गूंज उठी, पर एंटेना का एक छोटा टुकड़ा अब भी उसके पेट में अटका हुआ था। मार्क ने फर्स्ट एड किट की मदद से किसी तरह उस टुकड़े को भी अपने पेट से बाहर निकाल फेंका और स्टेपलर की मदद से अपने जख्म पर टांके लगा लिए। उस असहनीय दर्द ने मार्क के दिमाग को झिंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मार्क के लिए मुसीबतों का सिलसिला तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला मंगल ग्रह के बीहड़ रेगिस्तान में फंसकर रह गया था। जिस डिश से मार्क टकराया था वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिश थी, जो अब नष्ट हो चुकी थी। इस वजह से मार्क न तो अपने साथियों से कोई संपर्क कर सकता था और ना ही नासा से। अगर किस्मत से उसका संपर्क नासा से हो भी जाए तो मंगल ग्रह तक कोई भी मदद भेजने के लिए नासा को 4 साल का समय लगेगा, और इस वक्त मार्क जिस हैब में सुरक्षित महसूस कर रहा था उसे तो सिर्फ 31 दिन ही टिकने के लिए बनाया गया था। हालांकि उससे पहले ऑक्सीजनेटर मशीन खराब हो गई तो मार्क दम घुटने से मर जाएगा। अगर वाटर रिक्लेमर यानी कि पानी साफ करने वाली मशीन खराब हुई तो वो प्यास से मर जाएगा। लेकिन अगर किसी चमत्कार से हैब ज्यादा दिन टिक भी जाए और कोई दुर्घटना ना भी हो तो भी मार्क के पास इतना खाना होगा ही नहीं कि वो 4 सालों तक जिंदा बचा रह सके। अब हर हाल में मार्क का मरना तो तय था। ये सोचकर मार्क मायूस हो गया। ये सारी बातें उसने अपने कंप्यूटर जर्नल में रिकॉर्ड की और अंततः मौत के इंतजार में एक जगह पर बैठ गया। फिर अगले 2 दिन वहां तूफान का कहर जारी रहा। इस बीच मार्क को पल पल मौत का खौफ सताए जा रहा था। अपना ध्यान बटाने के लिए उसने अपने साथियों को याद करते हुए उनके सारे सामानों को संभाल कर रख दिया, लेकिन खुशकिस्मती से 2 दिनों तक हुए उस भयंकर तूफान में भी हैब सही सलामत बचा रहा। ये देखकर मार्क के अंदर जीने की चाह जाग उठी और तभी उसने ठान लिया कि वो बिना कोशिश किए यूं ही मंगल ग्रह पर मरने वाला नहीं है। मार्क को अब मंगल ग्रह पर 21 साल बीत चुके थे। वो अपने जख्म के दर्द से अब भी जूझ रहा था, लेकिन बावजूद इसके उसने उठने की हिम्मत दिखाई और अपने पास मौजूद खाने की लिस्ट तैयार करने लगा। मार्क और उसके साथियों का खाना मिलाकर उसके पास केवल इतना ही खाना बचा था जिसे वो लगभग 1 साल तक ही चला सकता था, पर उसे तो 4 साल तक सरवाइव करना था। इस बात ने मार्क को सोच में डाल दिया। कुछ देर बाद जब मार्क ने टॉयलेट करने के बाद फ्लश किया तो टॉयलेट वैक्यूम में पैक होकर नीचे वेस्ट स्टोरेज में चली गई। एस्ट्रोनॉट्स के टॉयलेट ऐसे ही वैक्यूम में पैक हो जाते थे ताकि अंतरिक्ष में गंदगी ना फैले। इस पर मार्क को एक तरकीब सूझी। मार्क ने फूड स्टोरेज में जाकर देखा तो वहां वैक्यूम में पैक किए आलूओं का एक पैकेट रखा था, जो उन्हें थैंक्सगिविंग डे पर सेलिब्रेट करने के लिए दिए गए थे। खुशकिस्मती से मार्क मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ ही एक बॉटनिस्ट यानी कि वनस्पतियों का वैज्ञानिक भी था। मार्क ने ठान लिया कि वो अपने हैब के अंदर आलूओं की खेती करेगा। मार्क के जख्म अब भर चुके थे, जिससे उसका मन भी आत्मविश्वास से भर आया था। उसने पहले तो बिजली की समस्या दूर करने के लिए सोलर पैनल्स को साफ कर उसे दोबारा स्टार्ट किया। उसके बाद उसने हैब के एक बड़े हिस्से से सारा सामान खाली करके उस जगह को प्लास्टिक से कवर कर दिया। फिर मार्क ने उस जगह पर मंगल ग्रह की मिट्टी जमा करनी शुरू कर दी और उस जगह को खेत की भांति जमीन में तब्दील कर दिया। उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मार्क वेस्ट स्टोरेज से एस्ट्रोनॉट्स के वैक्यूम में पैक हुए टॉयलेट्स के पैकेट ले आया, जिनकी बदबू असहनीय थी, पर मार्क ने उसे भी सहते हुए उससे खाद तैयार कर ली और उन आलुओं को 2 टुकड़ों में बांटकर उसे खाद के साथ जमीन में बोना शुरू कर दिया। इस तरह 36 साल तक उसने अपनी फसल बोकर तैयार कर ली। लेकिन अब उसके आगे सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पानी के बिना खेती करना असंभव था। तब उसने एक और तिगड़म चलाई। वो पानी बनाने का फॉर्मूला जानता था,
और खुशकिस्मती से उसके पास MAV का बचा हुआ हजारों लीटर हाइड्रोजन ईंधन भी मौजूद था, जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना था। मार्क ने अपने खेत के बीच एक टेबल रखा और ट्रैश बैग से एक छोटा सा टेंट तैयार कर उसे टेबल के ऊपर लटका दिया। उस टेंट के ऊपर एक पाइप भी लगी थी जो चिमनी का काम कर रही थी। उसके बाद मार्क ने टेबल पर इरिडियम धातु के टुकड़े बिखेर दिए और इरिडियम धातु पर एक पतले पाइप के जरिए हाइड्रोजन की बूंदें गिराने शुरू की। इरिडियम धातु पर हाइड्रोजन की बूंदें गिरते ही उससे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस अलग हो गए और ऊपर चिमनी की ओर उठने लगे। अब मार्क को जरूरत थी तो बस आग की, लेकिन अंतरिक्ष में आग जलाना हमेशा जानलेवा होता है, इसलिए नासा कभी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ज्वलनशील सामग्री रखने नहीं देती थी। पर ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में शायद ऊपर वाले को भी मार्क पर तरस आ गया था, इसीलिए मार्टिनेज के सामान में उसे एक लकड़ी का क्रॉस मिल गया। मार्क ने उस क्रॉस को छीलकर उसका बुरादा बना लिया और बैटरी की स्पार्क से उसमें आग लगाकर उसे चिमनी के ऊपर रख दिया। उसके बाद मार्क ने उस आग के नजदीक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की। उसका फॉर्मूला काम कर गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की पर्याप्त मात्रा के साथ में जलने से भाप के रूप में पानी बनना शुरू हो गया। ये देखकर मार्क खुशी से झूम उठा कि तभी एकाएक वहां धमाका हो गया जिससे मार्क दूर जा गिरा। उस धमाके में मार्क को ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर उसके कानों में धमाके की आवाज अब भी गूंज रही थी। मार्क उठा और अपनी गलती को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा। धमाके का कारण था मार्क की सांसों से निकली एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जिसे मार्क कैलकुलेशन में शामिल करना भूल गया था। लेकिन मार्क ने अब भी हार नहीं मानी थी। उसने फिर से सारी तैयारियां कर ली और इस बार हेलमेट पहनकर ऑक्सीजन शुरू किया और आखिरकार इस बार उसे कामयाबी मिल ही गई। उस रात मार्क चैन की नींद सोया और जब सुबह उठकर उसने टेंट में देखा तो प्लास्टिक पानी से भीगा हुआ था। उसके फॉर्मूला से उत्पन्न हुई भाप ठंडी होकर वहां नमी बनाने लगी थी, जिससे कुछ ही समय में मार्क का खेत पूरी तरह से भीग गया। ये देखकर मार्क की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह 48 साल बीत गए और एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मार्क को अपने खेत में एक आलू का पौधा नजर आया। उसे देख मार्क का चेहरा ऐसे चहक उठा मानो एक पिता अपने नवजात बच्चे को देख रहा हो। इस तरह मार्क को मंगल ग्रह पर जीवित रहने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर नासा ने मार्क को मृत समझकर उसकी शोक सभा भी आयोजित कर दी थी। वहां एक भावनात्मक भाषण देने के बाद नासा के डायरेक्टर सैंडर्स हॉस्टन में स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में आ गए। तभी नासा के मंगल मिशन के डायरेक्टर कपूर उनसे मिलने उनके ऑफिस में आए। कपूर सैंडर्स को कन्विंस करने लगे कि उन्हें नासा की सैटेलाइट इस्तेमाल करके मार्क की लाश देखने दी जाए। दरअसल मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन काफी कम मात्रा में होने की वजह से लाश कभी गलती नहीं है, इसलिए कपूर नहीं चाहते थे कि मार्क की लाश भी हमेशा के लिए मंगल ग्रह पर पड़ी रहे। वो उसकी लाश को घर वापस लाना चाहते थे, लेकिन सैंडर्स को डर था कि मार्क की लाश वाली सैटेलाइट इमेज अगर मीडिया तक पहुंची तो मीडिया उन्हें खामखा बदनाम करेगी। सैंडर्स ने कपूर को मना करते हुए कहा, वक्त के साथ मार्क की लाश मंगल की रेत में दब जाए, इसी में उनकी भलाई है। इस पर कपूर ने सैंडर्स को भरोसा दिलाया कि अगर वे आगे होने वाले एरीज 6 मिशन का मुख्य मकसद मार्क की लाश को घर वापस लाना ही बताएं, तो इससे उन्हें जनता से हमदर्दी मिलेगी और पॉलिटिशियन को भी इससे फायदा होगा, जिससे उन्हें आगे के मिशन के लिए फंड भी मिल जाएगा। ये सुनकर सैंडर्स निशब्द रह गया। कपूर ने उसी वक्त नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर में काम कर रही कम्युनिकेशन इंजीनियर मिंडी को एरीज 3 मिशन के लैंडिंग साइट के कोऑर्डिनेट्स भेज दिए, जिसके बाद मिंडी ने जब उस लोकेशन की ओर सैटेलाइट को घुमाया तो उसके चेहरे पर जैसे आश्चर्य की घटा ही छा गई। उसने तुरंत कपूर, सैंडर्स और नासा की मीडिया रिलेशन डायरेक्टर एनी को कमांडर सेंटर में बुला लिया, जहां उन्होंने देखा कि 18 साल पहले जो सोलर पैनल्स धूल से सने पड़े थे वो आज 54 साल बाद अचानक साफ हो चुके हैं और साथ ही वहां मौजूद रोवर ने भी अपनी जगह बदली है। ये काम मार्क का ही था और यही मार्क के मंगल ग्रह पर जीवित होने के ठोस सबूत थे, जिसे देखकर वे सारे लोग सन रह गए। हालांकि ये बात उन्होंने मार्क की बाकी टीम से छुपाना ही उचित समझा, ताकि अपने लंबे सफर के दौरान उन्हें कोई परेशानी ना हो। सैंडर्स तो पहले ही ये सोच बैठा था कि वे मार्क के लिए मदद भेजे उससे पहले ही मार्क भूख से मर जाएगा, लेकिन कपूर ये सोचकर मायूस हो गया था कि इस वक्त मार्क कितने बुरे वक्त से गुजर रहा होगा। लेकिन उधर दूसरी ओर मार्क तो मुश्किल वक्त में भी अपनी जिंदगी को खुलकर जी रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि नासा उसे जरूर बचा लेगा।
उधर नासा की टीम भी मार्क को बचाओ अभियान में जुट गई थी। सैंडर्स ने मीडिया में खुलासा कर दिया था कि मार्क अभी जीवित है और अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मार्क को अब मंगल ग्रह पर फंसे 70 साल बीत चुके थे। अब तक उसने खाने और पानी का बंदोबस्त तो कर लिया था, पर अब उसे मंगल ग्रह से निकलने की रणनीति बनानी थी। मार्क को पता था कि नासा का अगला एरीज 4 मिशन 4 साल बाद शेपरेली क्रेटर पर उतरेगा, जो मार्क की मौजूदा स्थिति से 3200 किलोमीटर दूर था। मार्क को मंगल ग्रह से निकलने के लिए 4 साल बाद किसी भी तरह उस जगह पर पहुंचना था। मार्क के अनुमान से वहां तक पहुंचने के लिए उसे 50 दिन लगने वाले थे। इसके लिए मार्क ने उसी वक्त सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसका एक रोवर जो चलने की हालत में नहीं था, मार्क ने अपनी वैज्ञानिक खोपड़ी का इस्तेमाल करके उसके कुछ जरूरी पार्ट्स दूसरे रोवर में लगा दिए, जिससे अब वो ज्यादा दूरी तक सफर कर सकता था। लेकिन अब समस्या थी ठंड की। रात के वक्त मंगल ग्रह पर कुल्फी जमा देने वाली ठंड होती थी। इसका हल निकालने के लिए मार्क ने उस न्यूक्लियर बैटरी को जमीन से खोदकर बाहर निकाल लिया, जिसे मंगल पर पहुंचते ही उसकी टीम ने जमीन में दफन कर दिया था। क्योंकि अगर गलती से भी बैटरी को कोई नुकसान पहुंचा तो उससे रेडिएशन निकलेगी और उसके संपर्क में आने वाला इंसान परलोक सिधार जाएगा। हालांकि मार्क ने जोखिम उठाते हुए उसे सावधानी से अपने रोवर पर लटका दिया, जिससे उस बैटरी से निकलती हीट से उसकी ठंड की समस्या दूर हो गई। उधर पृथ्वी पर अब हर कोई मार्क की सलामती की दुआ कर रहा था। इस पर कपूर ने भी मीडिया के जरिए लोगों को भरोसा दिलाया कि वे मार्क को जिंदा वापस लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कपूर का ये दावा करना सैंडर्स को बेवकूफी लग रही थी, क्योंकि उनके लिए मार्क को जिंदा वापस लाना इस वक्त तो लगभग नामुमकिन था। लेकिन वे भी मार्क के बचाव अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने JPL, जो नासा के लिए प्रोब और स्पेसशिप बनाने का काम करते थे, उन्हें 3 महीने के अंदर प्रोब बनाने का मुश्किल काम सौंप दिया। JPL के डायरेक्टर ब्रूस और उसकी टीम पर बड़ा दबाव आ चुका था, क्योंकि आमतौर पर किसी प्रोब को बनाने में उन्हें 6 महीने का समय लगता था। लेकिन इस बार टेडी ने उन्हें ओवरटाइम काम करने के लिए कहा। उनका प्लान था कि उस प्रोब के जरिए पहले वो मार्क के लिए 4 साल तक जिंदा रहने के सारे जरूरी सामान भेजेंगे, फिर 4 साल बाद जब एरीज 4 की टीम मंगल पर उतरेगी तो वे मार्क को भी अपने साथ वापस ले आएंगे। इस तरह JPL की टीम भी प्रोब बनाने में जुट गई। वहीं सैंडर्स ने कम्युनिकेशन इंजीनियर मिंडी को भी सैटेलाइट के जरिए मार्क की हर गतिविधियों पर नजर बनाए रखने का पूरा अधिकार सौंप दिया। उधर दूसरी ओर मार्क के बोए आलुओं की फसल अब तैयार हो चुकी थी। उस फसल की तरह मार्क का चेहरा भी खिल उठा था, क्योंकि फसल उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी हुई थी। लगभग 400 स्वस्थ आलू मार्क ने बड़े आलुओं को खाने के लिए रखा और छोटे आलुओं को फिर से बो दिया। इस तरह मार्क अपने खाने का इंतजाम करता जा रहा था। लेकिन मार्क जानता था कि जब तक वो नासा से बातचीत करने का कोई जरिया नहीं ढूंढ लेता, तब तक उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। हालांकि ये मार्क के लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी, पर उसे एक रास्ता मिल ही गया। वो उसी वक्त अपने रोवर में बैठकर किसी अनजान सफर पर निकल गया। ये देख उस पर नजर रख रहे मिंडी और कपूर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि मार्क 13 दिनों से लगातार किसी अनजान दिशा की ओर बढ़े जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्क आखिर जा कहां रहा है। लेकिन तभी कपूर के दिमाग की बत्ती जली। उसने जब क्रेटर के नक्शे पर मार्क के बढ़ने की दिशा को आउटलाइन किया तो उसे समझ आ गया कि मार्क उस पाथफाइंडर की ओर बढ़ रहा है, जिसे 1996 में नासा ने मंगल ग्रह के एसिडिलिया प्लेनेशिया क्रेटर पर ही उतारा था। उस पाथफाइंडर का काम था मार्स पर रहकर वहां की मिट्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और वातावरण से संबंधित जानकारी को नासा तक पहुंचाना। हालांकि उसकी बैटरी खत्म हो जाने की वजह से 1997 तक ही नासा का उससे संपर्क टूट गया था। कपूर का अंदाजा बिल्कुल सही था। मार्क ने उस पाथफाइंडर को ढूंढ निकाला, जो अब रेत में दफन हो चुका था। मार्क उसे रेत से निकालकर अपने हैब में ले आया। हालांकि मार्क नासा से तभी संपर्क कर सकता था जब नासा के पास भी वैसा ही पाथफाइंडर मौजूद हो। ये पता चलते ही कपूर भी कैलिफोर्निया में स्थित JPL पहुंच गया, जहां उस पाथफाइंडर का एक और मॉडल मौजूद था। कपूर ने वहां उन सारे वैज्ञानिकों को पहले ही बुला लिया था जिन्होंने 1997 के दौरान उस पाथफाइंडर पर काम किया था। उधर दूसरी ओर मार्क ने पाथफाइंडर की खराब बैटरी निकालकर उसे हैब के पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया और खुशकिस्मती से पाथफाइंडर दोबारा स्टार्ट हो गया। मार्क ने जैसे ही उसके एंटीना को पृथ्वी की ओर घुमाया, वैसे ही JPL में मौजूद पाथफाइंडर को उसका सिग्नल मिल गया। ये देख कपूर की खुशी का ठिकाना ना रहा। हालांकि मार्क के पाथफाइंडर का कंट्रोल JPL के टेक्नीशियन टिम के हाथ में था।
टिम ने तुरंत पाथफाइंडर का कैमरा ऑन किया, जिससे मार्क का कैमरा भी ऑन हो गया। ये देख मार्क को अंदेशा हो गया कि कोई तो उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मार्क ने देरी नहीं की और तुरंत बोर्ड पर यह सवाल लिखकर कैमरे में दिखाया कि क्या किसी को उसका सिग्नल मिल रहा है। साथ ही उसने सवाल के एक तरफ हां का बोर्ड लगाया और एक तरफ ना का बोर्ड लगाया। वो सवाल देख कपूर की टीम ने कैमरे को हां की तरफ घुमा दिया, जिससे कुछ देर बाद मार्क का कैमरा भी हां की तरफ मुड़ गया। यह देखकर मार्क खुशी से जैसे पागल ही हो गया। लेकिन अब भी मार्क के लिए कपूर से बातचीत करना आसान नहीं था, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी अधिक होने के कारण हर एक सवाल कपूर तक पहुंचने और कपूर का कैमरा घुमाकर उसे जवाब देने में एक घंटे का समय लगता था। और ऊपर से केवल मार्क ही कपूर से सवाल पूछ सकता था, वो भी हाँ या ना में, जबकि कपूर के उससे बात करने का कोई जरिया नहीं था। इस पर मार्क ने अपने वैज्ञानिक दिमाग को काम पर लगाया। मार्क जानता था कि पाथफाइंडर का कैमरा 360 डिग्री यानी कि एक फुल सर्कल में रोटेट हो सकता है, इसलिए पहले तो उसे सूझा कि वो अल्फाबेट के 26 लेटर्स को कैमरे के चारों ओर गोलाई में लगा दे, जिससे नासा की टीम कैमरे को अल्फाबेट के अलग अलग लेटर्स की ओर पॉइंट करके मार्क को कोई संदेश दे पाएगी। लेकिन इसमें रुकावट ये थी कि अल्फाबेट के 26 लेटर्स को 360 डिग्री गोलाई में फिट करने के लिए हर लेटर को एक दूसरे से सटाकर लगाना पड़ेगा, जिससे लेटर्स के बीच गैप इतना कम हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कैमरा ए की तरफ पॉइंट कर रहा है या बी की तरफ। ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसलिए मार्क ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को चुना, जिसमें 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक कुल 16 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल के नंबर्स को ASCII कोड से कन्वर्ट करके शब्द बनाए जा सकते हैं। खुशकिस्मती से मार्क को जोहेंसन के कंप्यूटर पर ASCII टेबल मिल गया था, जिसके बाद मार्क ने हेक्साडेसिमल नंबर्स के 16 डिजिट को कैमरे के चारों तरफ गोलाई में लगा दिया। उधर टिम को लगातार मार्क के इमेजेस मिल रहे थे, जिससे उसे भी समझ आ गया था कि मार्क क्या करना चाहता है। टिम ने भी मार्क की तरह अपने पाथफाइंडर के चारों ओर हेक्साडेसिमल नंबर्स लगवा दिए। अब मार्क की इस तरकीब से कपूर भी उससे सवाल पूछ सकता था। कपूर की टीम ने कैमरे को अलग अलग नंबर्स की तरफ घुमाकर मार्क को नंबर्स का एक सीक्वेंस दिया। मार्क ने जब ASCII टेबल में इसकी वैल्यू देखी तो इससे शब्द बना हाउ अलाइव, यानी कि मार्क जिंदा कैसे है। मार्क ने इसके जवाब में अपनी बीती सारी घटना एक बोर्ड पर लिखकर कैमरे में दिखाई, और इस तरह मार्क और नासा के बीच एक पेचीदा बातचीत शुरू हो गई। इसी तरह नासा ने मार्क को निर्देश भेजे, जिसके जरिए उसने रोवर के कंप्यूटर को पाथफाइंडर के सिग्नल से जोड़ दिया। इस तरह अब मार्क रोवर के कंप्यूटर से नासा को डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज भेज सकता था और नासा से भी जवाब प्राप्त कर सकता था। नासा ने मार्क को संदेश भेजा कि उन्होंने मार्क का रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है और वो पहले उसके लिए जरूरी सामान भेजने वाले हैं। वो संदेश पढ़कर मार्क के अंदर खुशी की एक ठंडी लहर सी दौड़ उठी। मार्क ने नासा से पूछा, क्या उसकी टीम को पता है कि वो जिंदा है? इस पर नासा की टीम ने झिझकते हुए ना में जवाब दिया, जिसे पढ़कर मार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आया। मार्क ने सीधे नासा को गाली लिखकर ही भेज दिया, जिसे पढ़कर नासा के अधिकारियों के चेहरे से हवाइयां ही उड़ गई। उन्होंने मार्क को समझाया कि उसका मैसेज पूरी दुनिया पढ़ रही है। इस पर मार्क ने उनके पूरे सिस्टम को और ज्यादा गंदी गाली देते हुए उन्हें करप्ट कह दिया। हालांकि नासा के अधिकारियों ने इस पर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, क्योंकि वे समझते थे कि मार्क इस वक्त स्ट्रेस में है। उधर अंतरिक्ष में कमांडर लुइस और उसकी टीम अपने स्पेसशिप अर्मिस में लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। वे सभी इस बात से निराश थे कि मार्क अब उनके बीच नहीं रहा। लेकिन तभी उन्हें एरीज 3 मिशन के फ्लाइट डायरेक्टर मिच का एक वीडियो संदेश मिला। मिच ने उन्हें बताया कि मार्क अभी जिंदा है और मंगल ग्रह पर बचने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सुनकर मार्क की टीम भी सदमे में आ गई। हालांकि उन्हें मार्क के जिंदा होने की खुशी तो थी, पर उसे अकेला छोड़ देने का पछतावा भी हो रहा था। लेकिन मिच ने ये बताकर उन्हें तसल्ली दिलाई कि मार्क ने अपनी हालत का जिम्मेदार उन्हें नहीं ठहराया है। मार्क को अब मंगल ग्रह पर फंसे 4 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। इस दौरान वो लगातार नासा को अपने और हैब के कंडीशन की अपडेट भेजता ही रहता था। सारी दुनिया मार्क के मंगल पर आलू की खेती करने के कारनामे से काफी ज्यादा प्रभावित थी। अब उसे ढेरों ईमेल्स भी आने लगे थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी उसे ईमेल भेजकर उसका हौसला बढ़ाया था। जल्द ही मार्क के नए आलू भी तैयार होने वाले थे, जिससे मार्क का आत्मविश्वास चरम सीमा पर था। वहीं दूसरी ओर नासा के अधिकारियों ने यह अनुमान लगाया था कि अगर सब कुछ ठीक रहा
तो वे 868 सॉल तक मार्क को जरूरी सामान भेज पाएंगे। लेकिन तब तक मार्क को अपने आलू की फसल के भरोसे जिंदा रहना था। लेकिन एक रात जब मार्क अपना काम खत्म करके हैब के एयरलॉक में पहुंचा, तभी सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से एयरलॉक एक धमाके के साथ उड़ गया, जिससे मार्क उस एयरलॉक के साथ गोते खाता हुआ दूर जा गिरा। जैसा कि मार्क ने अनुमान लगाया था, केवल 31 दिन टिकने के लिए बने उस हैब के एयरलॉक का बार बार इस्तेमाल करने से ही उसमें धमाका हुआ था। उस धमाके से मार्क के हेलमेट में छेद हो गया, जिससे उसके सूट का ऑक्सीजन लगातार लीक होने लगा। पर मार्क ने समय रहते उस छेद पर टेप चिपका लिया, जिससे उसकी जान तो बच गई। लेकिन वो जब अपने हैब में पहुंचा तो देखा कि मंगल ग्रह के खुले वातावरण में उसकी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले सारे बैक्टीरिया जीरो से कम तापमान में नष्ट हो चुके थे, जिस कारण मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई थी। नतीजन मार्क का वहां दोबारा खेती कर पाना अब नामुमकिन था। ठंड में पिस चुके उन पौधों की तरह मार्क का आत्मविश्वास भी चकनाचूर हो चुका था। उसने रोवर में जाकर तुरंत नासा तक ये खबर पहुंचा दी, जिसे सुनकर कपूर और नासा के बाकी अधिकारी भी हताश हो गए। अब उनके अनुमान से मार्क बचे हुए आलुओं के साथ केवल 609 साल तक ही जीवित रह सकता था, इसलिए अब उन्हें केवल 47 दिन के अंदर ही प्रोब तैयार करके उसे लॉन्च करना था, तभी वे सही समय पर मार्क तक जरूरत के सामान पहुंचा पाएंगे। हालांकि इससे ब्रूस और उसकी टीम पर काम का दबाव काफी बढ़ गया। उधर दूसरी ओर लुइस और उसकी टीम मार्क को मैसेज करके उसका हौसला बढ़ा रहे थे, जिसकी बदौलत मार्क के अंदर अब भी जिंदा बचने की कुछ उम्मीद बाकी थी। उसने हैब को फिर से साफ किया और उसके दरवाजे को प्लास्टिक से पूरी तरह ढक दिया। खुशकिस्मती से हैब में एक और एयरलॉक मौजूद था, जिससे मार्क अंदर और बाहर आ जा सकता था। लेकिन उसकी बेचैनी तब बढ़ जाती थी जब तूफान अपना कहर ढाता था। उस वक्त मार्क का दिल और दिमाग इस डर से थरथरा उठता था कि न जाने कब तूफान उसके हैब में किए जुगाड़ को नष्ट कर दे और उसके प्राण पखेरु शरीर से मुक्त हो जाएं। लेकिन मार्क की हिम्मत ने अभी दम नहीं तोड़ा था। उसने जानलेवा परिस्थिति में भी सब्र बनाए रखा। इसी तरह समय बीता और आखिरकार ब्रूस और उसकी टीम ने दिन रात की मेहनत से प्रोब को तैयार कर लिया। परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। नासा के साथ साथ सारी दुनिया अपना दिल थामे लॉन्च के सफल होने की दुआ कर रही थी। इतने में ही नासा ने रॉकेट लॉन्च किया, जो प्रोब को लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। लेकिन तभी बदकिस्मती से पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ने से कुछ क्षण पहले ही उनका प्रोब तहस नहस हो गया, जिससे प्रोब के मलबे की तरह नासा की सारी उम्मीदें भी धाराशाही हो गई। कारण था जल्दबाजी में परीक्षण किए बिना प्रोब पर प्रोटीन बार रखना, जो अत्यधिक गति के कारण असंतुलित होकर बॉक्स से बाहर आ गए और गर्मी से लिक्विड में बदलकर प्रोब के अंदर वाइब्रेशन पैदा करने लगे। उस वाइब्रेशन से प्रोब के बोल्ट्स खुल गए और प्रोब फट गया। वो पल मार्क के लिए सदमे जैसा होने वाला था, जिसे मंगल ग्रह पर फंसे अब 186 साल बीत चुके थे। मार्क को लॉन्च के फेल होने की खबर मिल चुकी थी। उसे पता था कि अब उसके जिंदा बच पाने की संभावना केवल सुई की नोक जितनी है। मार्क ने कमांडर लुइस को मैसेज किया कि अगर वो मर जाए तो लुइस उसके माता पिता को बताए कि उनके बेटे की मौत के पीछे एक बड़ा और नेक मकसद था। हालांकि ये सुनकर उन पर दुख का पहाड़ जरूर टूट पड़ेगा, लेकिन उन्हें ये जानकर अपने बेटे पर गर्व होगा कि उसने मरते दम तक हिम्मत नहीं हारी थी और वो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से प्यार करता था। हालांकि मार्क ने अब भी हार नहीं मानी थी, बल्कि वो हर हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। पृथ्वी पर चीन की स्पेस एजेंसी के चीफ साइंटिस्ट और डेप्यूटी चीफ साइंटिस्ट टीवी पर मार्क के रेस्क्यू मिशन फेल होने की खबर देख रहे थे। हालांकि नासा ने इसके लिए अब तक किसी से कोई मदद नहीं मांगी थी, पर उन्हें पता था कि नासा का मार्क को बचा पाना असंभव है, इसलिए इंसानियत के नाते उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। उनके पास एक रॉकेट पहले से ही तैयार था, जिसे वे वीनस और मर्क्यूरी के ऑर्बिट में भेजने वाले थे। उन्होंने अपना मिशन कैंसिल करके नासा को वो बूस्टर रॉकेट देने का फैसला किया। ये खबर सुनते ही नासा की टीम एक बार फिर नई उम्मीद के साथ मार्क के बचाव अभियान में जुट गई। पर इस बार ब्रूस और उसकी टीम पर 28 दिनों में ही प्रोब बनाने की चुनौती रख दी गई थी, जहां एक और सारे वैज्ञानिक इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की जद्दोजहद में लगे थे, तो वहीं उनके बीच एक वैज्ञानिक ऐसा भी था जो दुनिया से परे सोच रखता था। वो था एस्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि खगोल गति की विज्ञान का महारथी रिच पर्नेल, जो कई दिनों से मार्क को मंगल से वापस लाने के अपने प्लान पर काम कर रहा था।
आखिर में रिच ने जब अपने प्लान को नासा के सुपर कंप्यूटर पर परखा तो उसका प्लान कारगर साबित हुआ। रिच उसी क्षण कपूर से मिलने नासा के स्पेस सेंटर पहुंच गया और उसने अपना प्लान समझाया, जिसके बाद कपूर ने तुरंत नासा के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। रिच का प्लान आखिर क्या है ये जानने के लिए सारे लोग बेताब थे। तभी रिच ने अतरंगी अंदाज में उन्हें अपना प्लान समझाया। वो नासा की पीआर डायरेक्टर एनी और सैंडर्स को आमने सामने ले आया। अब एनी रिच के लिए मंगल ग्रह बन गई और सैंडर्स बन गया पृथ्वी। उसने एक स्टेपलर को हर्मिस स्पेसशिप मान लिया, जिस पर सवार कमांडर लुइस और उसकी टीम जल्द ही पृथ्वी पर पहुंचने वाले थे। रिच का प्लान था कि जब हर्मिस पृथ्वी तक पहुंचेगा तो वे उसे पृथ्वी पर उतारने के बजाय उसे पृथ्वी के एक ऐसे पॉइंट पे ले आएंगे जहां से वे पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसे घुमाकर वापस मंगल ग्रह की ओर तेजी से लॉन्च कर सके। इस दौरान जब हर्मिस पृथ्वी से गुजरेगा तो उसी वक्त नासा अपने प्रोब को लॉन्च करेगी जो हर्मिस पर जाकर जुड़ जाएगा। इस तरीके से वे मार्क को सामान भेजने के बजाय 561 दिन में हर्मिस को दोबारा मंगल ग्रह पर भेजकर मार्क को ही वापस ले आएंगे और उन्हें सफर में लगने वाले अतिरिक्त ईंधन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही प्रोब से भेजा गया सामान हर्मिस के क्रू मेंबर्स को अंतरिक्ष में और अधिक दिन रहने में मदद करेगा। इस प्लान को रिच मैनूवर का नाम दिया गया। हालांकि रिच का ये प्लान कारगर तो था, लेकिन सैंडर्स मार्क को बचाने के लिए लुइस और उसकी टीम को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो पुराने तरीके से ही काम जारी रखने का फैसला करता है। लेकिन एरीज 3 मिशन के डायरेक्टर मिच को ये फैसला लुइस और उसकी टीम पर ही छोड़ देना उचित लग रहा था, इसलिए उसने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए लुइस और उसकी टीम को एक सीक्रेट मैसेज भेजकर उन्हें रिच मनूवर के बारे में सब बता दिया। अब ये फैसला उन्हें करना था कि वे अंतरिक्ष में 19 महीने और बिताकर मार्क को बचाएं या अपनी जान के बारे में सोचें और घर वापस लौट आएं। इस पर वे सभी मार्क को मंगल ग्रह से वापस लाने पर सहमत हुए। हालांकि ऐसा करके वे नासा के खिलाफ जा रहे थे, जिससे नासा में उन सबका करियर चौपट हो सकता था। लेकिन मार्क को बचाने के लिए उन्होंने अपना करियर और जान दोनों ही दांव पर लगा दिया और एक उत्साह के साथ मार्क के रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़े। जल्द ही इसका पता डायरेक्टर सैंडर्स को भी चल गया। अब क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को रोकना उनके हाथ में नहीं था, तो उन्होंने मीडिया में ये ऐलान कर दिया कि नासा ने मार्क को लेने एस्ट्रोनॉट्स को भेज दिया है। साथ ही उन्होंने मिच को अकेले में बुलाकर उसे काफी खरी खोटी सुनाई और ये मिशन खत्म होने के बाद अपना इस्तीफा भी देने के लिए कहा। लेकिन सैंडर्स भी चाहते थे कि सभी एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित घर लौट आएं, इसलिए जाते जाते उन्होंने मिच से इस मिशन को अच्छे से पूरा करने के लिए कहा। उधर दूसरी ओर कपूर और नासा की सारी टीम मार्क की जिंदा दिली देख आश्चर्य में थे, क्योंकि उस मुश्किल भरे समय में भी मार्क हार कर बैठा नहीं था, बल्कि वो उस जियोलॉजिकल रिसर्च को पूरा करने में लगा था जिसके लिए वे लोग मंगल ग्रह पर आए थे। हालांकि उसे अपनी पूरी टीम का काम अकेले ही करना पड़ रहा था, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते हुए उन पलों को अपने कैमरे में संजो रहा था। इसी बीच मार्क को पता चला कि उसकी टीम उसे लेने मंगल पर आने वाली है, तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। लुइस ने मार्क को अपना आगे का प्लान समझा दिया। दरअसल नासा को मंगल ग्रह के हर मिशन के दौरान भारी मात्रा में सामान की जरूरत होती है, जिसे वे मंगल ग्रह पर एक साथ नहीं भेज सकते। इसलिए उन्होंने एरीस मिशन में लगने वाला MAV रॉकेट पहले ही मंगल ग्रह के शेप्रेली क्रेटर पर उतार दिया था। अब प्लान ये था कि जब हर्मिस मंगल के ऑर्बिट में पहुंचेगा तो उसी वक्त मार्क को भी उस MAV से मंगल के ऑर्बिट में जाना होगा, जहां से लुइस और उसकी टीम मार्क को हर्मिस पर ले आएंगे। ये प्लान समझने के बाद मार्क काम पर लग गया। उसे आज से 200 दिन बाद वहां से 3200 किलोमीटर दूर मौजूद शेप्रेली क्रेटर के लंबे सफर पर निकलना था, जिसमें उसे 50 दिन लगने वाले थे और 50 दिनों के लिए उसे अपने रोवर पर पर्याप्त खाना, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत थी। इस पर नासा के तेज दिमाग वैज्ञानिकों ने मार्क को अपने रोवर पर वाटर रिक्लेमर और ऑक्सीजनेटर को फिट करने की तरकीब बताई, जिसे फॉलो करके उसने अपने रोवर को 50 दिनों के लंबे सफर के लिए तैयार कर लिया। इस तरह कुछ दिनों बाद हर्मिस पृथ्वी के करीब पहुंच गया। उसी वक्त नासा भी चाइना के बूस्टर रॉकेट की मदद से हर्मिस पर जरूरी सामान से भरा प्रोब भेजने में कामयाब हो गया और लुइस और उसकी टीम एक बार फिर मंगल ग्रह की तरफ रवाना हो गए। वक्त गुजरता चला गया और 7 महीने बीत गए। इस दौरान मार्क ने खाना और पानी जितना हो सके बचाने की कोशिश की थी। नतीजन वो काफी दुबला और कमजोर हो गया था, लेकिन बावजूद इसके मार्क का मनोबल जरा भी डगमगाया नहीं था। आज ही वो दिन था
जब उसे शेपरेली क्रेटर के लंबे सफर पर निकलना था, मार्क ने इतने दिन उसे बचाए रखने के लिए हैब और बाकी चीजों का धन्यवाद किया और उन्हें गुड बाय कहकर अपने सफर पर निकल पड़ा। मार्क को अपने सफर के दौरान हर सुबह 13 घंटे सोलर पैनल को चार्ज करने के लिए रुकना पड़ता था। इस दौरान वो आराम कर लेता और दिन ढलते ही फिर से सफर शुरू कर देता था। वो बीच बीच में रुककर कैंप लगा लेता और बिना पानी के ही नित्य क्रियाएं करता था। वो गड्ढा खोदकर अपनी टॉयलेट उसमें डाल देता और मंगल की जमीन को गंदा करने के लिए उसके साथ एक सॉरी नोट भी छोड़ देता था। हालात इतने बुरे थे कि अब उसे कच्चे आलू खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा था, पर वो इस मुश्किल वक्त को भी एक नए अनुभव की तरह देख रहा था। मार्क ने मजाक में खुद को स्पेस पायरेट यानी कि अंतरिक्ष का लुटेरा खिताब दिया, क्योंकि अंतरिक्ष में समुद्री कानून लागू होता है और जब तक मार्क हैब में था सिर्फ तब तक ही वो नासा के अधीन काम कर रहा था। लेकिन हैब से बाहर निकलकर वो आजाद पंछी बन गया था और अपनी मर्जी से MAV की तरफ बढ़ रहा था। मार्क मंगल ग्रह पर जहां भी जाता वहां कदम रखने वाला वो पहला इंसान बन जाता था। इसी जज्बे ने मार्क के मनोबल को गिरने नहीं दिया था, लेकिन तभी नासा ने उसे एक बड़ा झटका दिया। दरअसल ब्रूस के मुताबिक हर्मिस स्पेसशिप में इतना ईंधन बचा ही नहीं था कि वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में जाकर वापस लौट सके। साथ ही मार्क जिस MAV में जाने वाला था वो भी इतना भारी था कि उसका मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकल पाना मुश्किल था। इसलिए नासा ने मार्क को MAV के सारे सामान और कुछ पुर्जे निकालकर उसे हल्का करने को कहा, ताकि MAV मंगल के ऑर्बिट से निकलकर हर्मिस के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच सके। हालांकि इससे मार्क के लिए जोखिम और ज्यादा बढ़ जाने वाली थी, लेकिन नासा की सलाह मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं बचा था। आखिरकार एक लंबे सफर के बाद मार्क तय समय में MAV तक पहुंच गया। उसने नासा के बताए मुताबिक MAV के वो सारे सामान निकाल फेंके जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि MAV की खिड़की, ऊपर का 400 किलो का एयरलॉक और साथ ही सारे कंट्रोल पैनल और कम्युनिकेशन सिस्टम भी, क्योंकि अब उस MAV का कंट्रोल मार्क के हाथ में नहीं था बल्कि मार्टिनेज उसे हर्मिस से कंट्रोल करने वाला था। मार्क को बस स्पेस सूट पहनकर बैठे रहना था। अब खिड़की और छत नहीं थी तो मंगल के वायुमंडलीय दबाव से बचने के लिए नासा के कहे अनुसार मार्क ने MAV के ऊपरी हिस्से को पैराशूट से ढक दिया, क्योंकि मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले काफी पतला होता है, इसलिए नासा के अनुमान से प्लास्टिक या पैराशूट इतना दबाव झेल सकता था। मार्क को सिर्फ तेज रफ्तार से होने वाले दबाव से बचना था। इसी तरह कुछ वक्त बाद हर्मिस भी अपने तय समय में मंगल ग्रह के करीब पहुंच गया और उसके चक्कर लगाने लगा। कमांडर लुईस और उसकी टीम अपने प्लान के साथ मार्क को वापस लाने के लिए तैयार थे। आखिरकार वो समय करीब आ ही गया जब मार्क हमेशा के लिए मंगल ग्रह को अलविदा करने वाला था। मार्क ने अपना खाना खत्म किया और अपने रोबर को सम्मान पूर्वक गुड बाय कहकर MAV पर आ गया। एक नई जिंदगी मिलने की आस में उसने शेव किया, उसने बाल ट्रिम किए और स्पेस सूट पहनकर उड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इस मिशन में नासा की टीम कैप्टन लुईस और मार्क की कोई भी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अधिक दूरी के कारण नासा को उनका कोई मैसेज मिलने में ही 24 मिनट का समय लगता था। लेकिन फिर भी नासा के साथ साथ दुनिया भर के लोग मार्क के साथ खड़े थे और मिशन के सफल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। मार्क ने इतने दिनों में पहली बार अपनी टीम से बातचीत की थी। उनकी आवाज सुनकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। तब उसकी टीम ने उसे हिम्मत दी और मार्टिनेज ने MAV लॉन्च कर दिया। MAV पूरी रफ्तार से उड़ता हुआ अंतरिक्ष की ओर जाने लगा, लेकिन वो रफ्तार इतनी तेज थी कि पैराशूट MAV से उड़कर आजाद हो गया, जिससे हवा का दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि मार्क उसे सह नहीं पाया और एकाएक बेहोश हो गया। हालांकि मार्क का MAV रॉकेट से अलग होकर मंगल की परिक्रमा तो करने लगा था, लेकिन बदकिस्मती से हर्मिस से उसकी दूरी 68 किलोमीटर थी, जिससे लुईस का मार्क को अपने शिप पर ला पाना नामुमकिन था। इस पर लुईस ने मार्टिनेज को हर्मिस का इंजन स्टार्ट करने को कहा और वे थ्रस्टर्स की मदद से हर्मिस को जितना हो सके MAV के करीब ले गए। पर उधर मार्क अब भी MAV में बेहोश पड़ा था। पृथ्वी पर भी सारे लोग लगातार उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे। खुशकिस्मती से उनकी दुआ रंग लाई और मार्क होश में आ गया। मार्क की आवाज सुनकर लुईस और उसकी टीम को खुशी जरूर हुई, लेकिन उनकी मुसीबत अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि मार्क के MAV और हर्मिस के घूमने की रफ्तार में 42 मीटर प्रति सेकंड का फर्क था, जिससे अब भी मार्क को हर्मिस पर ला पाना नामुमकिन था।
अगर वे हर्मिस की घूमने की रफ्तार को कम करके एमएवी की रफ्तार के लगभग बराबर ले आएं, तभी वे मार्क को पकड़कर हर्मिस पर ला सकते थे। लेकिन इसके लिए अगर वे दोबारा हर्मिस का इंजन स्टार्ट करते तो उनके पास इतना ईंधन बचता ही नहीं कि वे वापस पृथ्वी पर लौट पाते। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था, तभी मार्क ने उन्हें सुझाव दिया कि वो अपने स्पेस सूट के ग्लव को पंक्चर करके उससे निकलती हवा का थ्रस्टर की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो आयरन मैन की तरह उड़ता हुआ हर्मिस तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये एक बेवकूफी भरा आइडिया था, क्योंकि ऐसा करने से मार्क किसी भी दिशा में उड़कर अंतरिक्ष में गुम हो सकता था। लेकिन इससे लुईस को एक आइडिया आ गया। उसने केमिस्ट वोगल से शिप पर मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके एक बॉम्ब बनाने को कहा, जिसके बाद वोगल ने बॉम्ब बनाना शुरू किया। इसके लिए उसने चीनी, लिक्विड ऑक्सीजन और स्टेन रिमूवर लिया, जिसमें अमोनिया होता है। इनके मिश्रण से वोगल ने बॉम्ब तैयार कर लिया। तब तक बैक ने भी प्लान के मुताबिक हर्मिस के सामने वाले एयरलॉक में पहुंचकर उसे खोल रखा था, जिसके बाद जोहेंसन बॉम्ब लेकर बैक के पास सामने वाले एयरलॉक में आ गई और उस बॉम्ब को बिजली से जोड़ दिया। बैक और जोहेंसन एक दूसरे से प्यार करते थे। जोहेंसन ने बैक को प्यार से अलविदा किया और वापस स्पेसशिप में लौट गई। उसके बाद बैक ने एयरलॉक में बॉम्ब लगाया और उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से उसे बंद करके वापस पीछे के एयरलॉक में लौट आया। इस दौरान लुईस भी स्पेस सूट पहनकर बैक के पास आ चुकी थी। उसके बाद लुईस के आदेश पर उन्होंने एयरलॉक में ब्लास्ट कर दिया, जिससे एक झटके से सारी हवा सामने की ओर निकली और उस हवा के विपरीत झटके से हर्मिस की रफ्तार धीमी हो गई, जिससे अब हर्मिस और एमएवी की रफ्तार लगभग समान हो चुकी थी। लेकिन उनकी दूरी अब भी ज्यादा थी, इसलिए खतरे को देखते हुए बैक की जगह लुईस ने मार्क को लेने जाने का फैसला किया और एमएमयू व्हीकल में बैठकर रस्सियों के सहारे मार्क की तरफ बढ़ गई। लेकिन बदकिस्मती से मार्क तक पहुंचने के लिए उसकी रस्सियां छोटी पड़ गई थी। ये देख मार्क ने अपना तरीका आजमाया और अपने ग्लव को पंक्चर करके आयरन मैन की तरह उड़ता हुआ लुईस की तरफ जाने लगा, पर तभी वो लुईस का हाथ पकड़ने से चूक गया। लेकिन खुशकिस्मती से रस्सियां उसके हाथ में आ गई। ये देखकर बैक ने जल्दी से मार्क और लुईस को हर्मिस में खींच लिया। इस तरह कमांडर लुईस और उसकी टीम मार्क को बचाने में कामयाब हो गए। ये खबर सुनकर नासा के साथ साथ दुनिया भर के लोग खुशी से झूम उठे। अपने दोस्तों से मिलकर मार्क की आंखें भी नम हो गई। इस तरह मंगल ग्रह पर 18 महीने फंसे रहने के बाद मार्क वापस पृथ्वी पर लौट आया। पृथ्वी पर पहला दिन मार्क के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। मंगल ग्रह पर फंसे रहने के दौरान मार्क कभी अपनी मुश्किलों से हारा नहीं था, बल्कि उसने जिंदगी की हर परिस्थितियों में जीना सीख लिया था। अब वो नासा के नए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देता था और उन्हें भी अपनी संघर्ष की कहानियों से प्रेरित करता था। इसी तरह आगे चलकर नासा ने अपनी टेक्नोलॉजी और बेहतर कर ली और सफलतापूर्वक एरिस 5 मिशन को लॉन्च किया, जिसमें मार्टिनेज को एक बार फिर मंगल पर जाने का मौका मिला। वहीं इस बार लुईस घर पर अपने पति के साथ इस लॉन्च को देख रही थी। वोगल भी घर पर अपने परिवार के साथ खुश था। बैक और जोहेंसन की अब शादी हो चुकी थी और उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। दूसरी ओर मिच अब रिटायर होकर अपने परिवार के साथ खुश था और रिच, जिसके प्लान ने मार्क को बचाया था, वो दुनिया की नजरों में आए बिना आज भी नासा के हर मिशन में अपना योगदान दे रहा था। मार्क के ये संघर्ष की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किल वक्त हमें अंत के कितने ही करीब क्यों न ले आए, पर अगर हम उस अंत को एक नई शुरुआत मानकर हालातों का सामना करेंगे तो एक दिन मंजिल हमारे कदमों में होगी। दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें शॉर्टफ्लिक्स से। धन्यवाद।